फ्रेंड्स वेलकम टू माय द्विजा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चा बहुत भूखा है लेकिन बहुत रो रहा है दूध दे रहा है दूध नहीं पी रहा है बच्चा इतना क्रैंकी है इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि ब्रेस्ट पास में भी लेके आओ तो भी धक्का मार रहा है पुश कर रहा है ब्रेस्ट के सामने आ कर कर के जोर जोर से रो रहा है लेकिन ब्रेस्ट को मुंह में नहीं ले रहा है और मैं कई बार ऐसे पेरेंट्स को पूछती हूँ आपको कैसे पता बच्चा भूखा है बोलिए नहीं श्रेया बच्चा भूखा है पहला फीड देखे करीब डेढ़ दो घंटे हो चुके हैं और उसको पीना ही नहीं है वो मुँह ही नहीं लगाता है तो इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर सोलूशन जानेंगे आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्ट जो होता है कि फीडिंग के लिए बच्चा जब बहुत क्रैंकी है बहुत चिड़चिड़ा हो गया है तभी वो फीडिंग पे फोकस नहीं कर पाता है तो हम लोग को लगता है नहीं शायद ब्रेस्ट के पास आने के बाद तो अगर बच्चा भूखा है तो उसने मुंह लगाना चाहिए ना लेकिन जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो वो एक जगह पे फोकस करके मुंह खोल के प्रॉपरली लैच नहीं कर पाता है इसीलिए आप लोग इस चीज़ को एज अ रूल ले सकते हो जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है बहुत ज़्यादा क्रैंकी है भले ही आपको पता है कि बच्चा भूखा है लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा या तो वो मुंह ही नहीं लगाएगा ब्रेस्ट के ऊपर अगर मुंह लगाएगा तो भी ठीक से फीड नहीं करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे समय पे बच्चे को काम डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक बार बच्चा शांत हो जाएगा तो बहुत अच्छे से फीड ले पाएगा बहुत सारे लोग बोलते शराब बच्चे को शांत करने के लिए मैं लेक्ट्रोजन दे दूँ लेक्ट्रोजन एक बार दे दिया कि बच्चा शांत हो जाएगा बट प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप लोगों ने बच्चे को लेक्ट्रोजन या पाउडर्ड मिल्क दे दिया तो बच्चे का भूख भी कम हो जाएगा तो बच्चा ब्रेस्ट फीड कम लेगा जो अपने लिए सही चीज़ नहीं है तो आपको पाउडर्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं है इस समय में इस समय पे आपको उस टेक्निक्स की ज़रूरत है जिससे आप लोग बच्चे को काम डाउन कर सकते हो तो वो सारे टेक्निक हम लोग आज डिटेल में जानेंगे पर सबसे पहला चीज़ आप सब लोग जान लो ये जो जितने भी टेक्निक मैं सिखा रही हूँ वो हर माँ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट उसके साथ हर पापा को या मम्मी मदर इन लॉ जो भी आपके साथ रहते हैं उन लोग को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सपोज कोई और बच्चे को काम डाउन कराता है तो उतने समय में आप लोग वेल सपोर्टेड होके के पोजिशन ले के ब्रेस्ट फीडिंग की सारी तैयारी करके बैठ सकते हो कि जैसे ही बच्चा चुप हुआ वो लोग बच्चे को जेंटली आपके पास दे सकते हैं और फीडिंग शुरू हो सकता है ये आइडिया अच्छा है ना अगर कोई साथ में नहीं है तो यस आप खुद वो आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो फिर बच्चा काम डाउन होने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ले सकते हो चलिए ट्रिक्स की शुरुआत करते हैं सबसे पहला ट्रिक जैसे ही बच्चा एजिटेटेड है क्रैंकी है फजी है वैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि माँ भी काफ़ी इरिटेटेड हो जाती है कंफ्यूज हो जाती है रोती है निगेटिव मोड में चली जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप है कि माँ को काम डाउन होना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल भी शांत नहीं हो तो आप बच्चे को शांत नहीं कर सकते सो so, प्लीज़ खुद थोड़े से शांत हो जाओ हर बार बच्चा रो रहा है मतलब मेरा बच्चा कोई दुनिया भर के बहुत तकलीफ में है ऐसा बात नहीं है बच्चे रोते हैं कई चीज़ों के लिए रोते हैं बिकॉज उनके लिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही रोना है इनफैक्ट हम लोग एक वीडियो भी करेंगे कि बच्चे को कितनी देर रोने देना ओके okay होता है बट अभी के लिए जान लो दैट बच्चा हर चीज़ के लिए रोता है याद आई तो रोता है अकेला लगे तो रोता है बोर हुआ तो रोता है भूख लगी तो रोता है सो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन उसको बात करने का तरीका इसलिए ज़्यादा दिल पर मत लेना खुद शांत रहो तो ये पहला स्टेप है दूसरा स्टेप जो आप लोग को हेल्प करेगा बच्चे को स्किन टू स्किन लेना ओके okay, माँ के साथ अगर हस्बैंड है मदर इन लॉ है वो लोग अगर कर रहे हो तो आप लोग ये कपड़ों के साथ करो तो भी चलेगा बट अगर माँ अकेले ही है और वो ये ट्रिक्स कर रही है तो प्रिफरेबली टॉपलेस रह के ये टेक्निक करो ताकि जैसे ही बच्चा डाउन हो जाएगा या तो बच्चा खुदों के ब्रेस्ट की तरफ खुद को डायरेक्ट कर लेगा या आपको बच्चे को इमिजिएटली डाइवर्ट करना ब्रेस्ट की तरफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा तो सबसे पहला ट्रिक बच्चे को चेस्ट पे लेना है ओके okay, बच्चे को चेस्ट पे लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का सिर एक तरफ टर्न होना चाहिए और बच्चे को इस हिसाब से लो कि आपके चेस्ट के ऊपर बच्चे का कान रहना चाहिए बच्चा वेल सपोर्टेड है और दूसरे हाथ से बच्चे के कान को क्लोज करो सो so, दूसरे हाथ से हिप्स क्लोज है एक कान आपके चेस्ट के एकदम पास है दूसरा कान आप लोग इस हाथ से क्लोज कर रहे हो एंड यू आर डूइंग द मोशन इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके होता है आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है इट्स ओके okay. आप एकदम कोसी हो, सो so, ये चीजों की दो तीन चीज़ें होगी एक तो बच्चे को हम लोग सराउंडिंग साउंड से निकाल देंगे दूसरा चीज बच्चा चेस्ट के बहुत करीब होता है एक अट्रैक्शन होता है उनको एक सिक्योरिटी मिलता है इनफैक्ट देर ओज वंडरफुल लाइन किसने लिखा इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं कि चाइल्ड इज इक्वली अट्रैक्टेड टू मदर्स ब्रेस्ट एंड निपल एज मच एज चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू फादर्स ब्रेस्ट एंड निपल तो बच्चा चेस्ट के पास काफ़ी सिक्योर फील करता है और आपके इस हाथ के टच के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस कर पाएगा शांत कर पाएगा एंड दिस स्वेइंग मोशन बच्चे को बहुत जल्दी शांत करता तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है बच्चे को काम डाउन करने का दूसरा टेक्निक जो आप लोग कर सकते हो अगेन अगर आप लोग अगर माँ अकेली है तो टॉपलेस रह करोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा बच्चा जैसे ही सेटल हो गया ब्रेश पे लेने के लिए कोई और कर रहा है तो नॉर्मल वे में कर सकते हो इट्स कॉल्ड एज टाइगर ट्री होल्ड टाइगर ट्री होल्ड के लिए हाथ को बैंड एंड बच्चा हाथ के ऊपर बच्चे का एक कान आपके हाथ के ऊपर है दूसरे कान से क्लोज है दूसरा कान एंड यू डू इट्स कॉल्ड सुशिंग साउंड इससे बच्चा बहुत जल्दी काम डाउन हो जाता है और फिर जैसे ही बच्चा शांत हो जाता है आप वैसे ही मूवमेंट्स रख के बच्चे को धीरे से ब्रेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो या उस मदर को दे सकते हो जो पोजीशन ले रही है so सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड है थर्ड वे इज होल्डिंग द जॉ बच्चे का जॉ आप लोग बहुत फर्मली पकड़ सकते हो हिप्स को पकड़ सकते हो एंड यू डू द मोशन ये टेक्निक इनफैक्ट मैंने किसी इंडियन डॉक्टर के थ्रू नहीं देखा था आई हैव लर्न इट मेरा जो भी एक कैंप हुआ था अबाउट बेबी केयर टेक्निक्स बट ये पर्टिकुलर टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप लोग अगर किसी यू एस डॉक्टर्स को अगर फॉलो करोगे सो दिज देर आर फ्यू डॉक्टर्स जो भी ये मोमेंट्स रिकमेंड करते हैं सो so बच्चे को पकड़ लिया एक हाथ से बच्चे का जॉब पकड़ा आपका जो भी सो so अगर आप राइट ही हो तो लेफ्ट हैंड से जॉब पकड़ो राइट हैंड से हिप्स को फॉर्मली पकड़ के जस्ट शेक एट ये बच्चे को शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ओके नेक्स्ट टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं आई टू आई होल्ड आई टू आई होल्ड बहुत मस्त टेक्निक है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इसके लिए आपको बच्चे को उल्टा पकड़ना है बच्चे के पाव आपके चेस्ट पे है बच्चे की हिप्स आपके पेट के ऊपर रेस्टेड है तो बच्चे की हिप्स पेट के ऊपर रेस्टेड है आपने बच्चों के ऊपर शोल्डर एरिया को सपोर्ट किया हुआ है और दोनों हाथों से बच्चे के कान को पकड़ा हुआ है so, सो कान क्लोज है सी कान क्लोज इसके लिए करना है कि हम लोग बच्चे को खुद की तरफ ऑब्जर्व करने के लिए लगाते हैं तो वो बच्चे को शांत होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है तो दोनों कानों को होल्ड कर दो एंड देन यू गो फॉर अ मोमेंट याद रखो बच्चा फर्म है पेट के ऊपर बच्चा रेस्टेड है दोनों हाथों से भी आपने बच्चे को वेल सपोर्ट रखा हुआ है कान क्लोज है एंड दिस इनफैक्ट मेरे हाथ में तो बेबी मॉडल है तो भी मुझे करने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा इंश्योर दैट देर इज़ अ वंडरफुल आई कॉन्टैक्ट जो आप बच्चे के साथ मेंटेन कर रहे हो और इस वक्त आप क्या बोलते हो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफॉर्मेशन बोल सकते हो कि आप शांत हो आप मम्मा पापा के पास हो अभी मम्मा आपको दू दू देगी इट्स ओके इट्स ओके को बहुत अच्छा लग रहा है आप एकदम पीसफुल फील कर रहे हो ना अभी मम्मा देती है आपको हाल मेरा बच्चा को तो मम्मा चाहिए थी इसलिए रो रहे थे आप दिस इज सच अ नाइस वे इनफैक्ट मैं इतने इमोशंस के साथ इसीलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस पोजिशन में बच्चे को लेने के लिए तो जैसे ही बच्चा काम डाउन हो जाता है आप ऐसे ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा शेक करते करते ब्रेस्ट के ऊपर दे दो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा बहुत अच्छे से दूध पीता है तो ये चार पोजिशन सब गए फिफ्थ पोजिशंस जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल ट्रिक है कभी अगर बच्चा अनयूजअली अनोइंगली रोता है तो दो ये टेक्निक करने का टाइमिंग आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा बट तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है अ टैप वाटर अगर आपके पास सिंक है मतलब बेसिन है जहाँ पे आप लोग अगर वार्म वाटर छोड़ सकते हो याद रखो गर्म पानी नहीं ठंडा पानी नहीं और अगर उसमें आप लोग बच्चे को पकड़ते हो और बच्चे के इस एरिया में सिर के ऊपर के एरिया में अगर वो पानी छोड़ते हो जैसे समझ लो ये टैप वाटर है और उसके नीचे सिर्फ बच्चे का ये हिस्सा अगर हम लोग धो रहे हैं तो जैसे ही पानी बच्चे की सिर के ऊपर पड़ता है बच्चा इमीजिएटली काम डाउन हो जाता है और फिर आप बच्चे कॉटन के कपड़े से प्रॉपर्ली डैप करके फिर बच्चे को ले सकते हो लास्ट टेक्निक आप लोग प्रॉपर्ली तभी यूज़ कर सकते हो जब भी पहले सारे टेक्निक काम नहीं कर रहे बट ये सारे टेक्निक अपने आप में बहुत वंडरफुली काम करता है याद रखो ऑल ऑफ यू बच्चा बहुत रो रहा है मुंह नहीं लगा रहा है मेरा ब्रेस्ट रिजेक्ट ही कर रहा है उससे बेटर है कि हम लोग ये सोचें कि शायद से बच्चा डिस्टर्ब है क्रैंकी है हम लोग उसको शांत और पीसफुल कर दोगे तो बच्चा बहुत अच्छे से दूध ले लेगा ले। थोड़ा सा थॉट पैटर्न में चेंज और आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी ईजी हो सकता है तो सोचो सोचो आप कौन सा पोजिशन ट्राई करोगे ट्राई करके हमें ज़रूर बताना आपको कौन से वाले पोजीशन में आपका बच्चा बहुत जल्दी काम डाउन होता है ऐसा फीलिंग आया थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विथ अस ऑन डब्ल्यू 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 डॉट माई द्वजा डॉट कॉम हम लोग के प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं हम लोग लाइव सेशंस भी लेते हैं डू गेट इन टच यू अस याद रखो अ प्रिपेयर्ड मदर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट मदर थैंक यू सो मच एंड बाय